ओ भाई जय राम भाई। जय राम जी। देखो गांव से मैं हां बोरसी दुर्ग। बोरसी दुर्ग ले। हां दुर्ग में यार पूरा ओरा रही यार। ओरा का पूरा दुर्ग विधानसभा दुर्ग संभाग ला हम निपटाए हैं। अच्छा एक जन बाद के भिलाई नगर है। हां वहु आ जाती। अच्छा और पाटन में ककल तक को निपटाते। हां हां जरूर निपटाते। जरूर निपटाते। काबर की ये है हमारे जे छत्तीसगढ़ के जनता है। हाँ। ये जातिवाद क्षेत्रीयतावाद एला बिल्कुल सहन नहीं कर सके। हाँ। ये करारा तमाचा है जातिवाद क्षेत्रीयतावाद निरंकुशता तानाशाही झूठा वादा। रूपेश ना खुदे ऊपर बस भरोसा नहीं होकर आदमी ऊपर बस भरोसा नहीं रही। अच्छा ना पूरा प्रदेश नौकर ऊपर भरोसा रही। हाँ। कोई नौकर ऊपर भरोसा नहीं। और जे मन कहते नहीं कि छत्तीसगढ़िया बोला रहते भाला रहते। हाँ। छत्तीसगढ़िया मन असल कोई चतुर नहीं है। हाँ। ये मन कौन लवड़ देते थे कोई नहीं समझ सकता। अच्छा ये मन चुप में चुप जाते तुरंत रेंगा कहा जाते हैं कुछ नहीं। ये छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़ के जनता है भाई। छत्तीसगढ़ के जनता अच्छा अच्छा पानी पिला देते। हम भात तको खवा थे पूरा देश ला पानी तको पिया था धनिया तको बोथन नरवा नरवा पानी लाइस गरवा गोबर लाइस घुरवा कचरा लाइस और बारिश माटी लाइस और बनाइस कीचड़ तेमे खिल गए कमल। अच्छा जय भाजपा तय भाजपा। बलदम पूरे तीन राज्य में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है। अब नहीं सेवन बदल के रेपो ऐसा बात चला था। अचानक ऐसा क्या हुआ कि एकदम सब भगवा में हो गया। ये सारा चीज दिख रहा है शपथ ग्रहण समारोह में हिंदुत्व क्या बोल रहा है। हाँ हाँ। और हम सबको एक ही विचारधारा के विचार के जी जी। हम अपने समृद्धि के लिए लड़ रहे हैं। हाँ हाँ। भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में हुआ है जी जी वो आप देख रहे हैं उसी की प्रतिक्रिया है ये। हाँ हाँ। ना परिलक्षित हो रही है कि आज इतना जगह नहीं मिला कार्ड लेके जो हम लोग आए जी जी है ना। वही देखे पब्लिक जितने यहाँ लाखों आदमी है उतनी लाखों आदमी बाहर भी थे जो स्टेलिंग के द्वारा जो बात किया गया था हिंदुत्व में डालने की कहीं कहीं ये सब चली गई प्रतिक्रिया बिल्कुल परिलक्षित हो रहा है। हाँ। मैं ही होगा जी जी हिंदुत्व राष्ट्र बनना ही है जी जी गुरु घोषित है। लेकिन लोगों में ये देखा जा रहा है कि जो जो वादे किए हैं जो बीजेपी सरकार के द्वारा मोदी जी के द्वारा लोगों में विश्वास नहीं है कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद जो वादे किए थे पूरा होंगे। अभी क्या लगता है पूर्णता पूर्ण होगा जो भी कह रहा है संशय में है जी जी। आगे आप देखिए जो भी मोदी जी की गारंटी है। हाँ। वो अक्षरशः सत्य होगी छत्तीसगढ़ में। आपका सुनना था दीक्षित बोल रही हूँ। आपने भी कहा कि लोगों को विश्वास नहीं कहा। हाँ हाँ। अगर लोगों को विश्वास नहीं होता जी जी। तो इतना बड़ा जनाधार मिलता क्या जी जी। ये विश्वास का प्रतीक है लोगों का। हाँ हाँ। कि लोगों को मोदी जी पे विश्वास है जी जी। हिंदुत्व पे तो है ही। हाँ हाँ। पर एक्चुअली उनको मोदी पे विश्वास है। एक बार ये भी देखा जा रहा है कि जो जीत है ये महिलाओं की ही जीत है बोल रहे हैं। महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी है। ऐसा क्या निर्णय था देते 33% जो उन्होंने पहली बार सोचा इस देश को आजाद हुए 70 साल से ऊपर हो गया इसने सोचा महिलाओं के बारे में। हाँ हाँ। जो कागजी और जवानी खर्च तो सब कर रहे हैं जी जी। पर एक्चुअली जो कार्यवाही में लाने वाली बात है वो मोदी जी कर रहे हैं चाहे महिलाओं की हो चाहे युवा की हो चाहे बच्चों की। अब कोई वो अलादीन का चिराग नहीं है कि एकदम गुस्से और तुरंत पूरा हो जाए। कर रहे हैं और जनता को विश्वास है। हाँ। आज इसीलिए सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं तीनों स्टेट में प्रचंड बहुमत से जीते हैं। तो हिंदुत्व तो जीता ही है। हाँ। लेकिन हिंदुत्व के सपने को साकार करने की जो मोदी जी आ गया है जी वो भी जीत रहा है और वो हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। अभी जो जीत है आने वाले लोकसभा के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं जो इतनी भीड़ आई है जी। जरूर हम सब मोदी जी के ही तरफ हैं। हम लोग हिंदुत्व को लाना चाहते हैं जी जी। हम लोग करके ही रहेंगे। थैंक यू।